आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सहारा रिफंड के बारे में। सहारा में जो आप लोगों ने निवेश किया था उसका रिफंड का क्या हुआ नहीं हुआ, और किनको मिला किनको नहीं मिला, और जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप नेट एक्सपर्ट आरएल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लाता हूं और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाता हूं। तो हमारा चैनल का नाम है नेट एक्सपर्ट आरएल, इसको अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो जो भी आएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता लगेगा और फिर आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है कि YouTube आपको एक बार सिर्फ हमारा वीडियो दिखाएगा, उसके बाद आपको अगली वीडियो जरूरी नहीं है कि YouTube आप तक पहुंचाएगा। यदि आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहारा इंडिया का जो पोर्टल था उसमें रिफंड के लिए जो स्कीम लॉन्च किया गया था कि जिन्होंने निवेश किया था सहारा कंपनी में, ठीक है, जो सहारा की जो सोसाइटी था उसमें जो निवेश किया था उसका रिफंड के लिए पोर्टल जारी किया गया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया और कुछ को रिफंड मिला, कुछ को रिफंड नहीं मिला। और जिनको रिफंड मिला उनको कौन सा किस मतलब कैटेगरी में था, जिनको नहीं मिला है वो किस कैटेगरी में था, ये सारा डिस्कस आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सहारा का जो पोर्टल था उसमें सहारा वालों ने बताया था क्या कि इसमें चार तरह के सोसाइटी वाले जो है उनको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो चार तरह का सोसाइटी वाला कौन सा है और कौन कौन सा सोसाइटी है मैं वन बाय वन आपको बताता हूं और ध्यान पूर्वक से इस वीडियो को देखिए और सुनिए भी, ठीक है। पहला सोसाइटी जो है हमारा वो ये है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यह एक हमारा पहला सोसाइटी। दूसरा सोसाइटी हमारा ये है, देखिए, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। और तीसरा जो है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और चौथा जो है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यह चार प्रकार का जो सोसाइटी था, ठीक है, इस पर आवेदन होना था और आवेदन बहुत सारे लोगों ने किया भी। तो अब इनमें से जो है लगभग किसी को पेमेंट हुआ है और किसी को पेमेंट नहीं हुआ। जिनको पेमेंट हो गया वो 10,000 से नीचे वाले थे और जिनको पेमेंट नहीं हुआ वो 10,000 से ऊपर वाले थे, जिनको पेमेंट नहीं हुआ। तो अब वो 10,000 से ऊपर वाले को पेमेंट का क्या हुआ, स्टेटस चेक करने पर जो बताने लगा आपको कि सहारा का डेटाबेस में आपका अकाउंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इस तरह से आपका बताने लगा तो आप लोग घबरा गए, ठीक है, सारे लोग घबराए। हालांकि आप ही नहीं, जितने भी लोगों ने अकाउंट खुलवाया था सारे लोग घबरा गए कि अब तो हमारा अकाउंट डेटाबेस में नहीं है। तो सहारा वाले ने क्या किया, ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, सहारा वाले ने क्या किया, एक नया रिफंड पोर्टल जारी किया। उन्होंने उसमें कहा क्या कि जिनका भी रिजेक्ट हुआ है वो पुनः से आवेदन डालिए। तो वो नया जो पोर्टल जारी किया है वो मैं आपको लिंक दे रहा हूं वीडियो में, देख लीजिए। ये सहारा का वेबसाइट का लिंक है जहां से रिफंड के लिए रिसबमिशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो अब इसमें फेज थ्री तक का काम किया गया, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन में कौन अप्लाई कर सकता है, जिनका अमाउंट 10,000 तक है। और इनका जो डेट दिया गया था कब से अप्लाई, 15 नवंबर 2023, ठीक है। उसके बाद 19,999 रुपए तक का है, वो भी अप्लाई का 25 नवंबर 2023। तो अब बताइए, जो 10,000 तक वाले था वो फेज वन में अप्लाई कर सकता है, जो मतलब 19,999 तक था वो फेज टू में अप्लाई कर सकता है। तो 19,999 से जो एबव अमाउंट है, जो ज्यादा अमाउंट है 19,999 से, ठीक है, उनका अप्लाई कब स्टार्ट होगा इसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। अगर आप वेबसाइट में भी जाकर के विजिट करेंगे तो वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। वुड बी कम्युनिकेटेड सून, मतलब आपको जब स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी आप अगर सीआरएन नंबर डाल करके वेबसाइट में जब लॉगिन करना चाहेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा। वहां बताएगा आपको 19,999 से नीचे वाले के लिए ही, 19,999 से ऊपर वाले के लिए नहीं होगा। वुड बी कम्युनिकेटेड सून, इसका मतलब है आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, बहुत जल्द किया जाएगा, धैर्य रखे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपका 20,000 है या 21,000 है, 20,000 मतलब 19,999 से अधिक का अमाउंट है तो आप इंतजार कीजिए। जैसे ही इसका स्टार्ट होगा, आवेदन स्टार्ट होगा, रिसबमिशन के लिए स्टार्ट होगा, मैं आपको इसी चैनल में फिर एक वीडियो डालूंगा और आपको बताऊंगा कि आप आवेदन कर सकते हैं रिफंड के लिए। रिसबमिशन का जो वेबसाइट है उस पर जाइए और लॉगिन करके आप रिसबमिट कीजिए, फिर अगर हो सके तो अपना पासबुक, आपका मनी रिसिप्ट जो भी है उसको अपलोड कीजिए और 100% फिर आपका रिफंड के लिए प्रोसेस किया जाएगा। ये था छोटा सा वीडियो, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।